गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मैथ्स, दैट इज लेसन नंबर 13, एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। उससे पहले हमने क्या किया था कि हम कैरी ओवर कर रहे थे, बट अभी हम एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, कैरी ओवर वाला सम मींस विदाउट कैरी ओवर वाला सम किया था, अभी हम कैरी ओवर वाला करेंगे। ठीक है, नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एक साइड पे आपको बंच ऑफ मैच स्टिक्स दिख रहे हैं और एक साइड पे सिर्फ सिंगल स्टिक है। तो बंच कितने हैं, लेट्स काउंट इट। वहां पे बंच है 9, वहां पे 9 मैच स्टिक्स है और दूसरी जगह पे 3 मैच स्टिक्स है। ठीक है, अभी देखो मैंने एक लाइन बना दिया है। ठीक है, एक लाइन बना के मैंने एक ऐसे ऐसे स्टैंडिंग लाइन डाल के उधर 0 से लेके 14 तक ऐसे रैंडमली नंबर्स दे दिए। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, पहले नंबर आपको एक जो ज्यादा आपको जिस साइड पे ज्यादा मैचिक दिख रहे हैं वहां पे कितना है नंबर 9, तो जो मैंने नीचे लाइन फॉर्म किया है उस 9 से लेके और जो प्लस किया है, प्लस मतलब आपको पता है ना एडिशन, तो हमें ऐड करना है 9 को 3 के साथ। तो हम तो ऐसे भी कर सकते हैं और बॉल्स बना के भी कर सकते हैं, बट ये और एक मेथड है जो आपको जानना जरूरी है, इसके थ्रू भी हम एडिशन कर सकते हैं। तो एक लाइन बना के मैंने ऐसे स्टैंडिंग लाइन करके उसमें 0 से लेके आपको जितना भी नंबर मेंशन करना है उतना करो, लेकिन जब आपका पहला नंबर 9 दिखना चाहिए वहां पे, फिर आपको कितना आगे और काउंट करना है, कितना ऐड करने बोला है उसने और 3 मैच स्टिक, तो हम 3 नंबर और आगे बढ़ जाएंगे। देखो ये जो 9 है वहां से मैंने वो मेरी ऊपर से ऐसा हाफ कर्व मैंने बना दिया है, मैं 3 नंबर आगे जाऊंगी, 1, 2, 3। तो जब मैं 3 नंबर और आगे गई तो मुझे कौन सा नंबर मिला, दैट इज 12। तो ऐसे भी हम अगर काउंट करेंगे बाय फिंगर तो 9 + 3 = 9, 10, 11, 12 आया। जब अगर हम बॉल्स भी बनाएंगे तो वैसे ही आंसर मिलेगा। ठीक है, 12 ही आंसर आपको घूम फिर के मिलने वाला है। देखो मैंने बॉक्स बना दिया, जो हमारा टेबल रहता है टेंथ यूनिट के, यहाँ पे गलती से HT लग चुका है, दैट इज बाय मिस्टिकली एरर है, तो आप TU लिखो वहां पे। बाद में 9 + 3 करोगे तो 12 आएगा, राइट? तो 1 और 2 वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो 2 विल गो ऑन यूनिट प्लेस और जो 1 है वो टेंथ प्लेस पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऊपर मिस्टेक हुआ है, तो ये आपको कॉपी नहीं करना है। राम हैज 8 पीनट्स एंड यश हैज 7, हाउ मेनी डू दे हैव टूगेदर। तो राम के पास कितने पीनट है, 8 पीनट है और यश के पास 7, तो उन दोनों को मिला के कितना पीनट बनता है ये हमें पता लगाना है। ठीक है, राम पीनट्स, यश पीनट्स, टोटल पीनट्स। तो ये मैंने बॉक्स, इधर भी देखो टेंस यूनिट आएगा, इधर HT लगा है, दैट इज रॉन्ग, वहां पे TU आएगा, T स्टैंड फॉर जहाँ पे H है वहां पे T आएगा, जहाँ पे T है वहां पे U आएगा। ओके, तो मैंने 8 + 7 बना दिया, दैट इज 15, आपको कैरी ओवर शो करना है। नाउ एड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड, देखो मैंने पहले ही यहाँ पे करके रखा है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस सम इन योर मैथ्स बुक। ओके, और आप वो जो लाइन मेथड जो हमने किया था लाइनिंग वाला, वो भी आपको करना है इसके साथ। जब आप एक सम सॉल्व करोगे उसके साथ ही आपको वो लाइन वाला करना है। इसके हेडिंग पे भी आप देखो HT गया है, दैट इज रॉन्ग, वो TU जाएगा, दैट इज टेंस एंड यूनिट, मैं अभी भी बोल रही हूँ, दैट इज बाय मिस्टेक एरर। एड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड, ये देखो 27 + 8 करेंगे तो 35 मिलेगा, 8 + 6 करेंगे तो 14 मिलेगा, 67 + 3 करेंगे तो 70 मिलेगा, देन 7 + 9 करेंगे तो 16 मिलेगा, 54 + 9 करेंगे तो 63 मिलेगा, 49 + 2 करेंगे तो 51 मिलेगा। ओके, राइट द एक्सरसाइज इन योर मैथ्स नोटबुक, जो मैंने अभी दिखाया है वो आपको कॉपी डाउन करना है, बस वो HT वाला चेंज करके TU कर दो। ओके, बाय।